जादुई पर्स। आशी 5 साल की एक लड़की थी। आशी के पिताजी की पिछले साल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद आशी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। घर में गरीबी पसरी हुई थी। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। आशी की माँ फूल बेचने का काम करती थी। वो सुबह आशी को स्कूल भेजकर फूल बेचने निकल जाती थी और दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर घूम घूम कर फूल बेचती थी। साहब, फूल ले लीजिए, देखिए कितने ताजा और खुशबूदार हैं। नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए किसी तरह माँ आशी का पालन पोषण कर रही थी। माँ एक रोटी कम खाकर रह लेती थी, लेकिन वो आशी को स्कूल भेजने और उसकी सभी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और एक पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ठीक है, ये ले 20 रुपए, जा भोला की दुकान से ले आ। और हाँ, कहीं और मत जाना, नहीं तो गुम हो जाएगी। आशी भागती हुई भोला की दुकान पर जाती है और कॉपी पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। आशी घर की ओर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। उसने सड़क पर एक छोटी सी दुकान लगाई हुई है। रुको बेटा, इस गरीब की दुकान से भी कुछ ले लो, मेरा भी भला हो जाएगा, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। आशी को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। आशी अपना 5 रुपए का सिक्का बूढ़े आदमी को दे देती है और उसे कहती है, दादाजी आप जो चाहे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी आशी को एक पर्स थमा देता है, एक सुंदर सा रंग बिरंगा पर्स। आशी पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। आशी बेटा, आ गई? जी माँ। अच्छा, वो बचे हुए पैसे इधर दे। आशी माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है, क्या तुमने उन पैसों से ये खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा कि हम अभी इस तरह खर्चा नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था ना, तो मैंने खरीद लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आशी रोने लगती है। अरे रो क्यों रही है, चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार से याद रखना बेटा, कोई भी फालतू खर्च नहीं। हाँ, आशी आंसू पोंछकर वहाँ से चली जाती है। माँ आज थोड़ी चिंतित थी। पिछले 3 महीने से माँ ने आशी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी, और अगर इस बार भी फीस नहीं भरी गई तो आशी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ मन में सोचती है, अब क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, सिर्फ 300 रुपए ही बचे हैं, इसमें तो पूरी फीस नहीं भर पाएगी। माँ सोचती है कि वो सर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ समय में लेने के लिए कह देगी। अगले दिन आशी के साथ माँ भी स्कूल जाती है। अरे आशी, इस पर्स में इतने पैसे कहाँ से आए, मैंने तो इसमें सिर्फ 300 रुपए ही रखे थे, इसमें तो 1000 रुपए है, कहीं इसमें पहले से तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो, अब माँ खुश थी क्योंकि अब उन्हें सर के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। माँ ने आशी की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल बेटा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। आशी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ले ली। माँ ने पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा एक बार फिर पर्स में 1000 रुपए थे। इसके बाद आशी और माँ सब्जी लेने भी गए और वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें से 1000 रुपए निकलते थे। ये तो जादू है, आशी ये पर्स तो कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी ने? जिसकी मैंने मदद की थी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ। शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि ये सब उसी की दुआओं का असर है।
किसी ने सही कहा है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, और अगर भगवान का कोई बच्चा मुश्किल में है तो उसकी मदद करना भी भगवान की पूजा करना ही है। जादुई तकिया। मोनू जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसके लिए एक तकिया बनवाया था जो बहुत ही छोटा था। उसके अंदर माँ ने राई भरी थी। मोनू को अपना वो तकिया बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे वो छोटा तकिया निकाल दो, मैं वही तकिया लूंगा। मोनू लेकिन वो तकिया तो बहुत छोटा है। हाँ तो आप उसमें और राई भरकर बड़ा कर दो। माँ के बहुत समझाने पर भी मोनू नहीं माना। मजबूरी में माँ उस तकिया को और बड़ा कर देती है। अपने बचपन का तकिया देखकर मोनू बहुत खुश होता है और रोज उसी पर सर रखकर सोता है। एक बार मोनू का दोस्त बहुत बड़ी सी खिलौने का कार लेकर आता है जो कि बहुत महंगी होती है। तो मोनू भी घर आकर कार लेने की जिद करता है। माँ मुझे वैसे ही कार चाहिए। मोनू वो कार बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। माँ के मना करने पर मोनू बहुत रोता है और जाकर अपने कमरे में उसी तकिए में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास वही खिलौने वाली कार है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसे रात भर खेलता रहता है। दूसरे दिन सुबह ही वो कार गायब हो जाता है। फिर एक दिन मोनू स्कूल जाता है और अपने किसी दोस्त के पास बहुत सुंदर और महंगा बस्ता देखता है और घर आकर माँ से बस्ता खरीदने की जिद करने लगता है। मोनू ये रोज रोज क्या नई नई मांग करने लगते हो। माँ आप लोग मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं दिलाते। ये सुनकर मोनू की माँ उसे बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद रो रो कर मोनू उसी तकिए पर सर रख कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही होता है, उसे अपना पसंदीदार बस्ता मिल जाता है और मोनू बहुत खुश होता है। लेकिन सुबह बस्ता फिर गायब हो जाता है। रोज इसी तरह चलता रहता। वो माँ से कुछ मांगता, नहीं मिलने पर रोता और तकिया उसे वही चीज दे देता। उसे लगने लगता है कि ये तकिया बहुत जादुई है और वो रोज रोज नई मांग करने लगता है। कभी खिलौने, कभी कपड़े, कभी बैग, कभी बॉटल। एक दिन माँ उसे ऐसे अकेले खेलते देख लेती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मोनू पर नजर रखने लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनू तुम रोज रात को क्या अकेले अकेले खेलते रहते हो? आपको पता है माँ ये जो तकिया है वो जादुई तकिया है। मैं आपसे जो भी मांगता हूँ ये मुझे तुरंत दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत साधारण तकिया है। पर मोनू उसकी बात नहीं मानता। मोनू की माँ मोनू के पापा को ये सारी बातें बताती हैं। मुझे लगता है कि मोनू को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों अगले ही दिन जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। मोनू का बहुत सी टेस्ट होते हैं और डॉक्टर उसे बहुत सारे बातें पूछते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। असल में मोनू को हमेशा कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती थी, लेकिन उसे उसके माता पिता हर चीज नहीं दिला पाते थे, जिस कारण मोनू उन चीजों की कल्पना करने लगता है। बहुत दिन तक मोनू का इलाज चलता रहा और वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाया, मोनू ऐसे हर एक चीज की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी माता पिता हर एक जरूरी चीज तो दे ही देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि माता पिता को भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चे आजकल हर चीज को जल्द से जल्द पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को बिना डांटे प्यार से समझाएं।